दोस्तों 26 लाख की गाड़ी खरीदी थी और 45 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जी हाँ, लेकिन ये घाटा किसी चोरी, किसी डकैती, किसी व्यापारी, किसी ब्रोकर के चलते नहीं हुआ है, बल्कि वाहन निर्माता कंपनी के चलते हुआ है। ये दावा है गाड़ी मालिक का। क्या हुआ ऐसा कि इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा गाड़ी मालिक को, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ, बेहद जरूरी जानकारियों के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ रही है। कब आएगी ये हेल्पलाइन, कैसे कर सकेंगे आप इसका इस्तेमाल, बताएंगे जल्द। देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, नितिन शर्मा है, लखनऊ के रहने वाले हैं, गाड़ी नंबर स्क्रीन पर है। अशोक लेलैंड की गाड़ी है, 49-23-22 चक्का गाड़ी है, मार्च 2018 में खरीदी थी और इसके साथ में इनको मिला था 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की वारंटी। साई ऑटो लखनऊ से इन्होंने गाड़ी खरीदी, 26 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली इसकी कीमत थी और 92,000 रुपये प्रति महीना इसकी ईएमआई थी, इसकी किस्त थी। टोटल 48 किस्तें थी, 4 साल तक लोन चलना था। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, गाड़ी ठीक चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। अगस्त 2020 में गाड़ी ओवरहीट होने लगी। हुआ ये कि एक ट्रिप के दौरान अलाहाबाद में ये गाड़ी 24 अगस्त पिछले साल की बात है ब्रेक डाउन हो गई, गाड़ी रुक गई। टोल फ्री नंबर है कंपनी का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 साल 4 लाख किलोमीटर की वारंटी थी, तो वारंटी के अंदर थी गाड़ी अभी, तो टोल फ्री नंबर पर फोन किया गया। कंपनी ने बकायदा रोड असिस्टेंस वाली अपनी जो टीम थी उसको भेजा और उन्होंने बताया कि गाड़ी ओवरहीट हो चुकी है और इसका जो थर्मोस्टैट स्विच जो है वो खराब हो गया था, वो हम चेंज कर देते हैं और 4,000 रुपये आपको देने होंगे। जबकि गाड़ी वारंटी में थी, गाड़ी मालिक का कहना है, फिर भी उसे 4,000 रुपये वसूले गए। लेकिन जब गाड़ी फंसी होती है, रोड पे है, माल लदा है, बंदे को जल्दी है जाने की, तो उसने पैसे दिए और आगे निकला। इसके बाद 400 किलोमीटर ही गाड़ी आगे गई थी, गाड़ी पहुंची थी झारखंड के जमशेदपुर में, वहां फिर जाके गाड़ी रुक गई, ब्रेक डाउन हो गया। फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल किया गया, नई टीम आई, क्योंकि हर जो एरिया है उसकी अलग टीम होती है इनकी, तो वहां पर अलग टीम आई। उन्होंने अपने तरीके से गाड़ी को जांचा और बोला कि इसकी जो हेड गैस्केट है वो चेंज करनी पड़ेगी और चिंता मत कीजिए, वो वारंटी में है, लेकिन उसका अप्रूवल आने में 3 दिन लगेंगे। जी हाँ, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो आपको फ्री में डाल के देनी है कि नहीं। 3 दिन बाद गाड़ी को रिपेयर किया गया। सुपरवाइजर ने प्रॉमिस किया, जो गाड़ी मालिक का कहना है, कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाद में 4,000 रुपये वसूल लिए गए कि कंज्यूमेबल्स पे खर्चा हो गया है। कंज्यूमेबल्स यानी कई बार नट बोल्ट जो होते हैं, तेल होता है, सील्स होती हैं, इसको कंज्यूमेबल्स में गिन लिया जाता है, कि वो तो आपको देना पड़ेगा, वो वारंटी में कवर नहीं है। चलो, इसके बाद क्या हुआ, गाड़ी फिर आगे चलती है, विशाखापट्टनम पहुंचती है 550 किलोमीटर करने के बाद, और गाड़ी फिर से जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। फिर टोल फ्री नंबर पर फोन किया जाता है, विशाखापट्टनम एजेंसी से कॉल आता है, वो आते हैं, चेक करते हैं। इस बार वो जो टीम आती है वो कहती है कि 20,000 रुपये एडवांस आप जमा करवाएं, उसके बाद ही हम गाड़ी की रिपेयर करेंगे, इसको डायग्नोज करेंगे। इस बात पर अच्छा खासा झगड़ा हुआ। उसने बताया कि 2 बार पहले मेरे साथ क्या हुआ है, ऊपर से वारंटी है, पैसे भी ले रहे हो और अब एडवांस मांग रहे हो। तो इसके बाद काफी हो हल्ला करा। ZM जो होता है, इनके जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर तक बात पहुंची। वो जब बीच में आए तो एडवांस कंपनी ने नहीं मांगा, गाड़ी को एजेंसी में ले जाया गया और 2 दिन बाद बताया गया कि असल में जो गलती थी वो अब इन्होंने पकड़ी। अब उन्होंने बताया कि EGR फेलियर हुआ है। EGR टेक्नोलॉजी है अशोक लेलैंड की खास, उसके अंदर फेलियर हुआ है जिस वजह से गाड़ी बार बार गर्म हो रही है। तो EGR जो है वो आपका वारंटी में है, EGR सिस्टम हम आपको बदल के देंगे, लेकिन 18,000 रुपये दे दीजिए, किसके, कंज्यूमेबल्स के, वही तेल, सील्स या नट बोल्ट या जो भी और कंपनी सोचती है कंज्यूमेबल्स में, वो इसके बीच में आ गया और 18,000 रुपये मांगने लगे। इस बार जो गाड़ी मालिक थे वो अड़ गए पूरी तरह से, उनका कहना था कि ये लूट है। अगर मान लीजिए कंज्यूमेबल्स पड़े भी हैं आपकी तरफ से, तो आपकी गलती से पड़े, गाड़ी आपकी गर्म हुई है, उसमें मेरा कसूर नहीं है, और फिर भी आप मेरे से पैसे मांग रहे हैं, और 2 बार पहले आप इलाज भी नहीं किया, गाड़ी ठीक भी नहीं की, और पैसे ले गए आप 4,000 रुपये और अब 18,000 मांग रहे हैं। इस बात से दुखी होकर वाहन मालिक ने गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर दिया, एजेंसी में ही पार्क कर दिया गाड़ी को, और सीधा लीगल नोटिस भेजा जोनल मैनेजर को, रीजनल मैनेजर को और सेल्स मैनेजर को, और तमाम जो अफसर थे अशोक लेलैंड के, उनको ये लीगल नोटिस भेजा गया।
उसके बाद एक ऑनलाइन जूम मीटिंग हुई, उसके अंदर गाड़ी मालिक का कहना है कि काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि आप बताएं कि टोटल आपका कितना नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन जब टोटल खर्चा और टोटल नुकसान इन्होंने लगा के बताया कि कितनी मेरी ईएमआई का नुकसान हुआ, कितनी देर मेरी गाड़ी खड़ी रही, वो सब जो खर्चा था वो 45 लाख के करीब था। वो 45 लाख रुपए जब मांगे इन्होंने तो उसके बाद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी, गाड़ी आज तक वहीं खड़ी है। उसके बाद इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई किया है, केस वहां पर चल रहा है, अभी कोई सलूशन नहीं निकला है। अब ये जो मसला है, जो गाड़ी मालिक है नितिन, उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के सामने कई दिन पहले उठाया था, लेकिन हमने काफ़ी समय इसलिए लिया क्योंकि हमने शोगलैंड कंपनी के कई सीनियर अधिकारियों से बात करी इस मसले को लेकर, लेकिन कोई जानकारी किसी भी ऑफिशियल ने हमें नहीं दी इस केस को लेकर। लेकिन एक चीज़ हमें रिसर्च के दौरान मिली, स्क्रीन पर है आपके डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट चेंज इंटीमेशन नोटिस, सेंट्रल क्वालिटी फील्ड क्वालिटी। ये इसके अंदर आप सब्जेक्ट देखें इसका, ईजीआर कूलेंट पाइप्स विद इंक्रीज्ड डायमीटर एंड लेस नंबर ऑफ बेंड्स फॉर इंक्रीज्ड कूलेंट फ्लो टू ईजीआर कूलर, 19 फरवरी 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिनके पास भी ये गाड़ियाँ हैं। और कौन कौन सी गाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर, ऑल एच सीरीज 6 सिलेंडर BS4 इंजन, ये वो गाड़ियाँ हैं BS4 इंजन की, 6 सिलेंडर H सीरीज की गाड़ियाँ। अब उसके अंदर कंपनी कह रही है कि जो कूलेंट पाइप्स हैं वो चेंज करी जाएंगी, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, बेंड कम होंगे, यानी कि जो कूलेंट है वो जल्दी से फ्लो करेगा ताकि गाड़ियाँ गर्म ना हों। अब ये सभी गाड़ियों का बदलना है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन जो जानकारी हमें गाड़ी मालिक ने दी वो ये है कि कंपनी की तरफ से ये आ चुकी थी गाइडलाइन के सभी गाड़ियों का ये बदलो, लेकिन मुझे ये इंटीमेशन दी ही नहीं गई। मैं भी मालिक था ऐसी गाड़ी का, मुझे पता होता 2020 से पहले 2019 में मैं ये जो पाइप थी ईजीआर पाइप, जो कूलेंट पाइप है, वो मैं बदलवा लेता तो गाड़ी गर्म ही ना होती, मसला ही ना होता। लेकिन ना मुझे डीलर ने फ़ोन करा कभी, ना किसी और ने मुझे बताया, इसलिए मुझे पता नहीं था। और अगर कंपनी ने 2019 में ही उसको पता चल गया था कि कूलेंट पाइप्स जो हैं कंपनी की वो बदलने वाली हैं इन गाड़ियों के अंदर, आप पूरी डायग्राम्स देख सकते हैं, बड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है ये, तो फिर तमाम जो गाड़ी मालिक थे उनको फ़ोन करके बताया जाना चाहिए था कि भाई जो गाड़ियाँ हमने आपको बेची हैं उसकी कूलेंट पाइप्स आप एजेंसी में आके चेंज करवा लें, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे वो एक अलग विषय था, लेकिन कम से कम इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो इसके ऊपर कोई भी, ये डॉक्यूमेंट हमने शोगलैंड के कई अफसरों को भेजा और उन्होंने कहा कि जी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद में एक चीज़ और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, ऐसा मिलता जुलता एक केस और भी आया था पंजाब लुधियाना का, वहाँ पर भी गुस्से में गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी एजेंसी में पार्क कर दी, शायद 2 साल तक वहाँ गाड़ी खड़ी रही, और इस केस में भी 2 साल होने को है। मैं दोस्तों आपको ये कहूँगा कि ऐसा काम ना करें, ये मेरी हमारी पर्सनल राय है, करना आपको है जो करना है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए 8,000 का नुकसान था, 4,000 दो बार लिया और फिर 18,000 रुपये मांगे, कुल मिलाकर 26,000 रुपये बनता था। आप उसके बाद ईजीआर उन्होंने चेंज कर दिया था, उसके बाद आपने गुस्से में वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, कंपनी का क्या गया, अभी तक गाड़ी वहीं खड़ी है, 92,000 रुपये गाड़ी की किस्त है महीने की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आवाज़ ना उठाएं, आवाज़ उठाएं, हम तो आपके साथ हैं, उठा रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका गलत है। आप खुद का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, कंपनी का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। जब कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आएगा तब देखा जाएगा। आपको करना ये चाहिए था, गाड़ी अपनी वहाँ से ले आते, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से गलत पैसे वसूले गए हैं, 26,000 रुपये या जो भी और नुकसान हुआ ईएमआई वगैरह का, वो बाद में कोर्ट केस में डाल सकते थे, दोनों चीज़ें चलती रहती, गाड़ी भी चलती रहती, केस भी चलता रहता। लेकिन बिना वजह गाड़ी खड़ी करके अपना नुकसान आप ज़्यादा कर रहे हैं, इससे पहले भी कई केस हमारे पास ऐसे आए हैं और उसमें भी हमें यही लगा कि गाड़ी खड़ी करना इस तरीके से आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। क्या आप सहमत हैं मेरी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी अब यूट्यूब और फेसबुक के अलावा एक नए प्लेटफॉर्म पे आने जा रहा है, जहां पर आपको हर रोज़ बहुत ज़्यादा खबरें मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी और कोई खबर आपकी मिस नहीं होगी, ऐसा इंतज़ाम किया गया है। कैसे होगा ये बताएंगे जल्द, देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। यूट्यूब और फेसबुक के अलावा अब आप एक और प्लेटफॉर्म पर ट्रांसपोर्ट टीवी देख पाएंगे, जहां पर खबरें ज़्यादा मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी और कोई ज़रूरी खबर मिस नहीं होगी। कैसे होगा ये बताएंगे जल्द, देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।